राजधानी भोपाल में नाबार्ड ने अपनी वाड़ी परियोजना के अंतर्गत आम उत्पादक आदिवासी किसानों के प्रोत्साहन के लिए पिछले साल की तरह इस साल भी 8 से 12 जून तक आम महोत्सव का आयोजन नाबार्ड ने किया है। इस मौके पर पूरे राज्य में क्रियान्वित वाड़ी परियोजना से उत्पादित आमों के विभिन्न किस्मों जैसे सुंदरजा, केसर, चौसा, लंगड़ा एवं दशहरी आम महोत्सव में रखे गए हैं। नाम सुनील कुमार है, मैं नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्य महाप्रबंधक हूँ। और ये जो आज हमने आम महोत्सव 6.0 शुरुआत की है, इसमें जो हमारे अनुसूचित किसान हैं, वाड़ी के जरिए हम लोग इनको प्रमोट करते हैं कि इनकी आज यहाँ पे इन वाड़ी से जितनी भी हमारी प्रोड्यूस है मैंगोज़ की, वो यहाँ आई हैं। और हम लोग चाहते हैं कि अगले 5 दिन के अंदर ये जितने भी आम के उत्पादन यहाँ हुआ है उसकी बिक्री हो और इन किसानों की आमदन जो है वो उसमें बढ़ोतरी हो। कौन कौन सी किस्म के आम हैं? इसमें बहुत तरह की किस्म है। मैं कह रहा हूँ कि आप वहाँ चलेंगे, आपको वहाँ पे वैरायटी भी होगी। इसमें सिंदूरजा भी है, इसमें नूरजहाँ भी है, इसमें और वैरायटीज भी है कि जो हमारी वाड़ीज हैं जो कि ट्राइबल फार्मर्स द्वारा संचालित हैं, उसके जितने भी किसान हैं वो अपनी प्रोडक्शन लेके आते हैं यहाँ पे और उनको मार्केटिंग के रूप में हम लोग उनको प्रोत्साहन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उनकी जो मैंगो की प्रोडक्शन है उसको हम लोग पूरे भोपाल के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग उसको विस्तारित करें, प्रचारित करें, ताकि इनकी आमदन का जो है वो उसको एक सस्टेनेबल जरिया बन सके। कहाँ कहाँ से आम आए हैं? मध्य प्रदेश के कई जिलों से आए हैं। जैसे आप देखेंगे बाहर जब जाएंगे, स्टॉल्स का इनॉग्रेशन होगा, आपको पता लगेगी कौन कौन सी वैरायटी आई है। अभी आपने एक वैरायटी देखी है, बहुत सारी वैरायटीज हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा अभी रिबन कटिंग होगी वहां, आप सब वहां उसका आनंद लें। आपका शुभ नाम बताइए। इस साल में कुछ वृद्धि हुई है? वृद्धि मैडम सेल से हम लोग इसको आंकते हैं। अभी सेल आज से शुरुआत होगी, मेरे ख्याल से हम लोग 12 तारीख को आपको बता पाएंगे कि कितनी वृद्धि हुई है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं मध्य प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड का मुख्य महाप्रबंधक हूँ।